आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रहस्य भक्ताई के। माँ भगवती भवतारिणी माँ काली आप सभी का कल्याण करें। आइए माँ काली और माता पाथरीवाली के आशीर्वाद से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो उस शक्ति के विषय में है जिसके बिना हर एक तंत्र मंत्र जादू टोना व भक्ताई सफल नहीं हो सकती। इन्हें मसानियों की रानी भी कहा जाता है। वैसे तो 360 प्रकार की मसानियां हैं, लेकिन मसानियों में सबसे बड़ी मसानी गुड़गावा की मसानी को माना जाता है। इनका मंदिर गुड़गावा में स्थित है। इन्हें सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है यह मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, और यह भी बताऊंगा कि इनका प्राकट्य कैसे हुआ, इनका भोग प्रसाद क्या है, और इन्हें प्रसन्न करने की विधि और इनका मंत्र जो सभी कार्यों को करने में सक्षम है। कौन से देवी देवता इनके साथ चलते हैं और कौन से कार्य करने में माता सक्षम है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले माता मसानी के प्राकट्य की कथा की। इनके प्राकट्य की दो कथा प्रचलित है। पहली कथा बात उस समय की है कि जब महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान जी माता शीतला से मिलने गुड़गांव आया करते थे। उस समय श्री कृष्ण भगवान ने चंदन की पटरी पर बैठकर स्नान से पहले अपने शरीर का मैल उतारकर एक पुतले में जान डाली। आगे चलकर वह मसानी के नाम से सुप्रसिद्ध हुई। लेखों व विद्वानों व गुरुओं की वाणी में यहाँ तक सुनने को मिलता है कि श्री कृष्ण भगवान ने जब इन्हें पहली बार देखा तो उन्हें भी ताप यानी कि बुखार चढ़ गया था कि ये मैंने क्या किया, ये तो होनी जन्म ले गई। यही कारण है कि आज भी अधिकतर लोग इनका नाम लेने से भी डरते हैं। तो यह थी प्रथम कथा। आइए बात करते हैं माता के प्राकट्य की दूसरी कथा की, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक बार माता शीतला ने अपने अंदर के सारे क्रोध और तामस को अपने शरीर से बाहर निकालकर एक देवी की उत्पत्ति की, जिसका नाम है मसानी। इसी देवी की उत्पत्ति का क्या कारण था, आइए बताता हूँ आपको कि वो क्या कारण था जिस वजह से इस देवी की उत्पत्ति की गई। सबसे पहली बात, यह देवी हर एक जगह यानी मृत्यु सोबड़ के घरों में भी कार्य करने में सक्षम है। और दूसरी बात, माता शीतला की बोल कबूल, गट जोड़े की जात, बच्चों के बाल उतरवाना, भेंट पूजा का हिसाब किताब भी माता मसानी ही रखती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लेखा जोखा और उनके कार्यभार को संभालने के लिए माता शीतला ने उनकी उत्पत्ति की। इन्हीं सब कार्यों के लिए इनका प्राकट्य किया गया माता शीतला द्वारा। यह हुई प्राकट्य की कथा। अब आप सबको बताता हूँ कि चौराहे की सबसे बड़ी शक्ति कैसे बनी माता मसानी। माता मसानी श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानती है। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण भगवान जी माता शीतला और गुरु द्रोण से मिलने गुड़गांव जाया करते थे। तब उनके आने की खबर पाकर माता मसानी उनकी प्रतीक्षा में रास्ते पर खड़ी हो जाती थी, और हर बार जिस रास्ते पर खड़ी होती थी उसकी वजह श्री कृष्ण भगवान जी किसी और रास्ते से आया करते थे और माता मसानी निराश हो जाती थी। तब माता मसानी ने एक दिन श्री भगवान कृष्ण जी से वरदान स्वरूप यह मांगा था कि जब भी आप आए तो सबसे पहले मुझे आपके दर्शन हो। तब श्री कृष्ण जी ने इन्हें वरदान स्वरूप चौराहे में स्थान दिया और कहा कि हर शक्ति आपकी इजाजत लेकर चलेगी। और हम देख सकते हैं कि गुड़गावा का मंदिर बीच चौराहे में स्थित है माता मसानी का। इसी कारण ये चौराहे की सबसे बड़ी शक्ति बनी। और हर शक्ति चाहे वे अच्छी हो चाहे बुरी हो चौराहे से होकर ही गुजरती है और इनकी इजाजत के बिना नहीं चलती। तो ये बात हुई माता के प्राकट्य से लेकर वरदान तक की कथा की। अब मैं आपको बताऊंगा कि माता के साथ कौन कौन सी शक्तियां चलती है।
वैसे तो मुख्यतः माता पाथरीवाड़ी, चौगानी पीर, खाको माता, कंठी, बसंती, बूढ़ी माई, बुलाकी, कलवा पवन, खेड़ापति और ग्रामीण भक्तावल में अपना विशेष स्थान रखने वाले सभी देव माता के साथ वे देवियां चलती हैं। केसरमल बावरी व सवल सिंह बावरी माता के द्वारपाल माने जाते हैं और बाकी भाई भी इनके माता के आदेश का पालन करते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे माता ना कर सके। जो उच्च कोटि के भगत होते हैं वो माता को घाल व मूठ अथवा चौकी में भी प्रयोग करते हैं। माता मारण क्रिया के कार्यों में सबसे कारगर देवी मानी जाती है। तभी बड़े बड़े तपस्वियों ने माता की पूजा आराधना कर काफ़ी सिद्धियां प्राप्त की। जो इनके भगत हुए वो सिंगा भगत और एक मालिन थी। YouTube पर काफ़ी वीडियो आपने देखी होगी माता के विषय में, लेकिन एक विशेष बात जो आज तक YouTube पर किसी ने नहीं बताई होगी वो ये कि माता की जो प्रतिमा मंदिर के अंदर है वह ध्यान मुद्रा में है। उसमें माता आंखें बंद करके बैठी है और वह किसके ध्यान में बैठी है यह फिर कभी बताऊंगा अगली वीडियो में। आइए आगे बात करते हैं माता के भोग प्रसाद की। माता तामसिक और सात्विक भोग दोनों ग्रहण करती हैं। अगर बात करें तामसिक भोग की तो माता इसमें सुअर की बच्ची व बच्चा और सुअर की बलि भी लेती है। इसके अलावा मुर्गा और मदिरा का भोग भी लेती है। और सात्विक भोग में मीठे गुलगुले, पूड़े, पापड़ी, पतासे, चिल्ले, श्रृंगार, नारियल, चुन्नी, चूड़ी भी लेती है। काफ़ी लोग अपने खेत की पहली फसल या गाय भैंस पहली बार बछड़ा देती है तो उसका दूध, घी और खेत से अनाज भी माता को चढ़ाकर भोग रूप में अर्पण करते हैं। इसके अलावा विशेष बात, जैसे मैंने बताया कि गठजोड़ी की जात, बच्चों का मुंडन माता के नाम पर किया जाता है। एक विशेष बात और बताना चाहता हूँ कि आपने काफ़ी भक्तों को व सामान्य लोगों को चौराहे व चौक पर भोग प्रसाद रखते हुए देखा होगा। चाहे वे किसी भी देव शक्ति का भगत हो, माता मसाणी सभी देवी देवताओं का भोग प्रसाद स्वीकार करने में सक्षम है, परंतु इनका भोग प्रसाद कोई और देवी या देवता अपने स्थान पर स्वीकार नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं अब माता के विशेष पूजा विधि विधान की। वैसे तो सभी दिन माता को समर्पित है, लेकिन माता का विशेष दिन सोमवार व मंगलवार है। इस दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व है। माता के दरबार के बाहर यानी गुड़गांवा में चैत्र के महीने में मेले का आयोजन भी किया जाता है और 36 बिरादरी इन्हें दूर दूर से पूजने व मनाने आती है। धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो माता मसानी हटाने में व उसे समाप्त करने में असमर्थ हो। चाहे जिन, खबीज, चुड़ैल, भूतनी, प्रेत इत्यादि कुछ भी हो। अब जैसा मैंने आपसे वादा किया था माता के मंत्र की बात का, तो ध्यान से सुने मंत्र कुछ इस प्रकार है। जाग जाग मसानी हो विकराल, पके चून की दू लापसी मद की दूधार, जहाँ कहीं भी भेजूं मेरा कारज दिए सवार। क्षमा चाहूँगा, मैं यह मंत्र पूरा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। और जो भी इस मंत्र की पूरी विधि विधान लेना चाहता है वह कॉल मी फोर ऐप से मुझसे बात कर इस मंत्र की विधि विधान ले सकता है, अगर वह हमें योग्य लगेगा तो। और इस मंत्र को करने से पहले आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में ही इसका प्रयोग करें या इसे जपे, क्योंकि यह काफ़ी जागृत मंत्र है और कार्य करने में बहुत ही तीव्र है। तो जो भी हमसे बात कर यह मंत्र विधि लेना चाहता है वो कॉल मी फॉर ऐप पे हमसे बात कर सकता है। वैसे और भी काफ़ी बातें देवी माता के बारे में है। एक वीडियो में इनकी महिमा का बखान करना संभव नहीं है, फिर भी एक कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, ताकि मैं आगे भी इतनी ही मेहनत से आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।